हमारा जो मेन प्रोडक्ट है, आज जो प्रोग्राम है, आज हमारा एम्पावर्ड वुमन, एम्पावर वुमन, जब हमारी बहनें, हमारी माएँ, जिनके लिए हमारे दीन में हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत साफ बोला है कि इनको इक्वल दर्जा है, और जब तक के ये कैपेबल नहीं होंगी, जब तक के ये सक्षम नहीं होंगी, जब तक के ये एम्पावर नहीं होंगी, हमारी फैमिली एम्पावर नहीं होती। हाँ, उसका तरीका है कि एक तरीके में रह के होना होगा, हमको हमारी लिमिट्स को, हमारे हिजाब्स को तोड़ के नहीं होगा। तो एक बेहतरीन तरीका कि वो अपनी इज्जत और आबरू के साथ में अपने घर में रहे, अपने हुनर को वो एम्पावर करे, वो अपने आप को मजबूत करे। इस इरादे से कई जगहों पर, तीन जगहों पर अलहम्दुलिल्लाह अभी चल रहा है, तीसरी जगह खुली है अभी पीली नदी में, उसके बाद में मानकापुर में, और अभी जस्ट पीटेसूर में सिलाई कटाई का 4 महीने का उनको ट्रेनिंग दिया जाता है, उसके बाद में उनको सर्टिफाइड किया जाता है, और आगे वो अपनी ज़िंदगी अपने विकार के साथ में जिए। उसके लिए उनको बाकायदा मशीनें, अल्हम्दुलिल्लाह 100 मशीनें देने का पूरा लास्ट टाइम हमारे पैटर्न साहब ने अनाउंस किया था कि नेक्स्ट टाइम हमको 100 मशीनें देना है, और थैंक्स गॉड हम सभी लोगों ने मिलकर, आप लोगों के ताउन से, हमारे लोगों के ताउन से वो हो रहा है। ये कोई किसी एक्स वाई जेड स्कीम में नहीं है, कहीं डाउट ना हो इसलिए मैं बताने की ज़रूरत कर रहा हूँ। देनहार कोई और है, देवत है दिन रैन, लोग भरम हम पर धरे होवत नीचे नैन, असल में देने वाले अल्लाह की ज़ात और आप लोगों की मदद से सारी चीज़ें हो रही है। उसके अलावा पानी पिलाने के ऊपर बहुत ज़्यादा बातें की जा सकती है। आज हमारे पास में 120 सिटी स्क्वायर सिटी में चल रहे हैं, शिमला में टूरिज़्म इस बार ठप हो चुका है, पानी का बड़ा मसला है, कई जगहों पर वाटर कूलर दिए जा चुके हैं और भी प्रोसेस में है, और उसमें इन सारी चीज़ों में समाज के सभी तबकों का ध्यान रखा जा रहा है। आप यहाँ पाएंगे कि अगर 100 सिलाई मशीनें हैं तो उसके अंदर में हमारी सभी बहनों को दिया जा रहा है, सभी जाति धर्म में उसको इंक्लूड किया जा रहा है, किसी एक्स वाई जेड के लिए नहीं है। और सबसे आखिर में जो ये प्रोग्राम हमने रखा है और जिन लोगों को रखा है, ये शख्सियतों के बारे में समाज को पता चले, और हमारी उन बहनों को जो ये समझती है कहीं ना कहीं कि हम कमज़ोर है, हम पिछड़े वर्ग से, वुमेंस के लिए लड़ाई लड़के पहला वुमेंस पॉलिटेक्निक, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज लाना, और 25 साल तक के उनकी प्रिंसिपल रहना, स्किल एम्पावर्ड करना, बेसिकली डायरेक्ट डॉक्टर हैं न्यूट्रिशन में, न्यूट्रिशन की बड़ा प्रॉब्लम है हमारे लेडीज़ में, ऑलवेज ब्लड से रिलेटेड और बहुत सारे प्रॉब्लम्स एनीमिया से रिलेटेड होते हैं, वो पूरी काउंसलिंग करती हैं, स्किल डेवलपमेंट उनका खास सब्जेक्ट है, और इतने ही यहाँ जाके रुकती नहीं है वो, आज इस एज में भी कम्युनिटी कॉलेज ऑफ मिशन कम्युनिटी कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च को हेड कर रही हैं, और जिसके अंडर में हमारी जैसी छोटी मोटी और कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करती हैं। दूसरी हमारी जो इंस्पिरेशन है, हमारा जो मोटिवेशन यहाँ पे बैठे हैं, डॉक्टर रून नूर बाजी, हमारी नूर आपा वनी से आई हैं माशाल्लाह, सैकड़ों एकड़ ज़मीन की मालिक है, पूरी फैमिली अमेरिका में है, लेकिन ज़िंदगी का तसव्वुर क्या है और देना क्या चाहती हैं समाज को, तो वनी के अंदर में आशियाना नाम का एक सेंटर चला रही हैं, हमारी बहनों के शादी ब्याह और बाकी के सारे जो मसले होते हैं वो वहाँ पे अदा किए जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, एक स्कूल चला रही हैं, जूनियर कॉलेज चला रही हैं, और यहीं पर नहीं रुकते हुए बाकायदा लॉ कॉलेज चल रहा है, जिसके अंदर में 5 साल तक के बच्चियों को, चाहे वो माइनॉरिटी की कोई भी बच्चियाँ हों, उनको रहना खाना पीना और लॉ की पूरी डिग्री इनकी तरफ से बाकायदा पूरा सपोर्ट किया जाता है। इनके भी कई सारे कारनामे हैं जो मैं गिनते गिनते थक जाऊँगा। हमारे जो पैटर्न साहब है, जनाब फराज जब्बार साहब, जो स्पेशली इन चीज़ों के लिए डिवोटेड होते हैं, वो खुद भी एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के खुद एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, लेकिन कोई ऐसा दिन नहीं रहता है जब उस दिन वो एक्टिविटीज़ के बारे में पूछते नहीं हैं। ये सारी चीज़ें आप सबके सामने लाना और ये मैसेज देना कि सब के सब हम लोग हमारे साथ में हैं। आज निगेटिविटी बहुत ज़्यादा फैली हुई है, आज निराशा की भावना बहुत ज़्यादा फैली हुई है, आज नफरत की भावना बहुत ज़्यादा फैली हुई है, इसको अगर हमको काटना होगा तो हमको एक साथ में बैठना होगा, हमको गरीबों को यह मैसेज देना पड़ेगा कि नहीं, हम आपके सब साथ में हैं, हमको अलग अलग तबकों को एक साथ में लाना होगा। हमारी भावना ताई पुंड मैडम महिला और बाल कल्याण विकास में ऑलरेडी काम कर रही है, आदिवासियों में गांव-गांव में शायद ऐसा कोई काम है जो इन्होंने नहीं किया है ऑलरेडी। हमारे पुंड साहब, हमारी उइके मैडम आई है यहाँ पे, उइके भाई भी 5,500 आदिवासी महिला गत के मेंबर्स के साथ में बाकायदा हेल्ड हाई फाउंडेशन में काम कर रहे हैं। हमारे युवराज पुंड जी हैं, हमारे विठोले साहब हैं, मैं कईयों के बारे में बोल नहीं पाया हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन हमारे जाकिर साहब जो खुद फ़ोन करते हैं, जाकिर साहब का फ़ोन लगना बड़ा मुश्किल काम है और इनसे मिलना मुश्किल काम है, लेकिन ये खुद फ़ोन करके पूछते हैं कि भैया क्या प्रोग्राम कर रहे हो, कुछ बताओ तो, मेरी मदद पड़ती है, मेरा कोई काम पड़ता है। बड़ा मॉरल अप हो जाता है जब एक बड़ा बिल्डर पूछता है आपसे कि कोई काम की ज़रूरत हो तो हमको बताओ यार, याद करो, सारे 50% तो वहीं पर थकावट दूर हो जाती है। मकसद ये है
कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारी आदत नहीं है, ये सोच है कि तस्वीर बदलनी चाहिए। तेरे सीने में ना सही मेरे सीने में, ये आग कहीं ना कहीं जलनी चाहिए। इसी आग को जलाए, परमेश्वर करे, अल्लाह करे कि हम सब जॉय ऑफ गिविंग के साथ में इस प्रोग्राम को निपटाएं और आगे भी समाज में इस चीज़ को आगे बढ़ाते रहें और अपेक्षा सिर्फ उससे करें। जज़ाक अल्लाह, धन्यवाद। हमारे आज के चीफ गेस्ट मेहमान खुसूसी अनीस अहमद साहब, माननीय एसआर मसराम साहब के इस्तकबाल के लिए, स्वागत के लिए मैं डॉक्टर रियाज साहब से गुजारिश करूंगा कि तशरीफ लाएं। सम्माननीय एसआर मशराम जी, डॉक्टर उर्वशी साहिबा, डॉक्टर ए एन राधा मैडम, के पी दाऊद साहब, जाकिर भाई, डॉक्टर अर्चना मसराम जी, वनी से आए हुए जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया, राना नूर साहिबा, बोंडे साहब, जिन लोगों के नाम छूट गए ऐसे सभी मान्यवर, सामने बैठे हुए सभी रिस्पेक्टेड सभी गेस्ट, डॉक्टर सिद्दीकी डीएड के प्रिंसिपल, भाई और बहनों और दोस्तों, सबसे पहले मैं अंजुमन फलाहुल मुस्लिमीन के सभी ऑफिस बेयरर्स को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं कि जो गवर्नमेंट ने काम नहीं किया है वो काम आप लोग कर रहे हैं, और इसलिए मैं अपनी तरफ से आप सभी वसीम भाई और जितने लोग हैं यहाँ पर जो काम कर रहे हैं उन सबको मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। यहाँ पर जैसे बताया गया कि आप लोग क्या क्या काम कर रहे हैं, सच में तारीफ़ काबिल है। हिंदुस्तान में बहुत कम ऑर्गेनाइजेशन है जो सही मानों में पिछड़ों के लिए, गरीबों के लिए, अकलियतों के लिए और उनकी रोज़ी रोटी के लिए काम कर रहे हैं, और जो आपने नाम दिया है आपके ऑर्गेनाइजेशन का, सही मानों में वो ऑर्गेनाइजेशन को आप के नाम को जस्टिस दे रहे हैं, इसलिए मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। महाराष्ट्र में बहुत कम ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो खास करके पिछड़ी महिलाओं के लिए, अकलियत महिलाओं के लिए काम कर रही है, और जो आप लोग काम कर रहे हैं मुझे लगता है यहाँ पर स्विंग मशीन बांटना कोई छोटा मोटा काम नहीं, वो भी 100 स्विंग मशीन आप बांट रहे हैं, जिसमें जिस महिला को भी ये मशीन मिलेगी उससे वो अपना गुजारा कर सकती है, उसे रोज़ी रोटी मिल सकती है, उसे काफ़ी मदद मिलेगी, और उम्मीद करता हूँ इस मशीन का सही इस्तेमाल किया जाए और उससे ज़्यादा से ज़्यादा उसका लाभ उठाया जाए। मैं शुक्रिया अदा करता हूं वसीम भाई का कि उन्होंने मुझे यहां बुलाया, मान सम्मान दिया, इज़्ज़त दी, और ये प्रोग्राम बहुत सही मौके पर लिया है आपने। रमज़ान ख़त्म हुआ है, ईद हुई है, और ईद के इमीडिएटली बाद में आपने ये प्रोग्राम लिया है। अभी एक हमारे भाई साहब जब इंट्रोडक्शन दे रहे थे
पानी के बारे में उन्होंने बताया, बहुत सारी योजनाओं के बारे में बताया। पानी की कीमत जब ही होगी जब हम अपने घर से एक घड़ा लेकर कॉरपोरेशन के नल पर जाएंगे या तालाब में जाएंगे या कुएं में जाएंगे और पानी कुएं से खुद निकाल कर या तालाब से खुद भर के अपने घर पर जाएंगे, तो जब हमें पानी की कीमत पता चलेगी। मैं तो 5 साल पहाड़ों में, शिमला में, उत्तराखंड में काम किया है, मैंने देखा है कि वहाँ की महिलाएँ पहाड़ से 5-5 किलोमीटर ऊपर से नीचे उतरती है, पानी लेती है झरने से और वापस पहाड़ पर लेके जाती है। तो उसको सही कीमत पानी की उसी को होगी जो नल में से पानी नहीं इस्तेमाल कर रहा, जाके जो तालाब में से कुएं में से पानी ले रहा है। क्योंकि आने वाले ज़माने में जो लड़ाई होने वाली है वो पानी की लड़ाई होने वाली है। हिंदुस्तान का एक मुख्यमंत्री पानी के ऊपर में चुनाव जीत के और मुख्यमंत्री बन गया दिल्ली में। तो पानी कोई मामूली चीज़ नहीं है और ये ऑर्गेनाइजेशन पानी के लिए काम कर रहा है, ये भी बहुत एक अहम भूमिका है। दूसरा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पर गुलाब के फूल देने की जगह इन्होंने एक खूबसूरत से झाड़ यहाँ पर दिए, ताकि जो हमें ऑक्सीजन मिल रहा है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये झाड़ जब बड़े होंगे तो वो हमें ऑक्सीजन मिलेंगे। आज शहर के अंदर में बड़ा डेवलपमेंट चालू है, बड़े बड़े रोड आ रहे हैं, मेट्रो आ रहा है, लेकिन नई टेक्नोलॉजी थी आपको मालूम होगा, रीडेवलपमेंट री उसको रीप्लांटेशन की, हज़ारों झाड़ काट दिए गए हैं। मुझे लगता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन ने उस काम को भी आगे बढ़ाना चाहिए। और यहाँ पर जितने लोग आए, आप अपने घरों के अंदर में, अपने इलाके के अंदर में आप जितने ज़्यादा झाड़ लगाएंगे, एक तो सवाब का भी काम है और आपको ऑक्सीजन भी अच्छा मिलेगा। महाराष्ट्र का जब मैं पहला माइनॉरिटी का मंत्री बना तो मैंने देखा कि कैबिनेट ने मुझे, चीफ मिनिस्टर ने मुझे बताया कि आप यू विल बी हैविंग द माइनॉरिटी पोर्टफोलियो, वर्क पोर्टफोलियो के साथ साथ, तो आपको योजनाएं बनानी है। मेरे पास सिर्फ 3 महीने थे, वो योजना भी बनाना है, कैबिनेट के सामने लाना है और लाने के बाद में वो योजना का पैसा पूरा बंटना चाहिए। मेरे पास बहुत कम टाइम था और उस समय मैंने नूरजा मैडम उस समय मंत्रालय में एक बार आई थी, आपको याद होगा, लॉ कॉलेज के लिए जब आप आए थे मेरे पास में, जब मैं एजुकेशन मिनिस्टर था, तो उस समय हमने ये सोचा कि कई बच्चे 10वीं के बाद में पढ़ाई आगे नहीं करते, हायर एजुकेशन नहीं करते, टेक्निकल एजुकेशन नहीं करते, और इसलिए हमने गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के बजट में जो भी लड़कियां प्रोफेशनल कोर्सेज कर रही, लड़के लड़कियां जो डी फार्मेसी कर रही है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, मेडिसिन, होटल मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक, जो भी प्रोफेशनल कोर्सेज है, उसमें हर बच्चे को 25,000 रुपये हर साल मिलेंगे। अगर यहाँ पर अंजुमन में इंजीनियरिंग का बच्चा अगर 4 साल पढ़ रहा है तो उसे 1,00,000 रुपये गवर्नमेंट की तरफ से हम ग्रांट देते हैं। ये काम की शुरुआत मेरे हाथ से हुई है और आज भी लगभग हर साल 100 करोड़ रुपये महाराष्ट्र गवर्नमेंट पूरे महाराष्ट्र में हर कस्बे में लोगों को बांटने का काम करती है। आप जैसे बहुत अच्छे PI पुलिस में बहुत अच्छे लोग कम मिलेंगे, जो यवतमाल में और आपके गाँव देहात में आप लोगों को भेज रहे हैं, मेडिसिन पढ़ा रहे हैं, लोगों को अपने पैरों पर खड़ा कर रहे हैं, उनकी ज़िंदगी बना रहे, आपको बहुत दुआ लगेगी और जो भी ऐसे काम कर रहे हैं उनको बहुत दुआ लगेगी। आप सब लोगों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देते हुए, आपने मुझे वसीम भाई यहाँ बुलाया, मान सम्मान दिया, इज्जत दी, आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए अपने दो अल्फाज ख़त्म करता हूँ, अल्लाह हाफिज़। यहाँ पर जो भी वर्क करते हैं तो ये जिसकी भी आइडिया है या प्लान है, पहले तो हम उसके लिए बहुत ज़ोर से तालियां बजाएं, क्योंकि उन्हीं के वजह से हम गरीब लड़कियां जो सीख रहे हैं वो हम उन्हीं के वजह से सीख रहे हैं, तो हम उनके लिए पहले तालियां बजाएं कि वो जिसकी भी आइडिया है या सोच है वो बहुत अच्छी है, गरीब लड़कियों के लिए, औरत के लिए, कि उन्होंने गरीबों के लिए सोचा है वही बहुत बहुत बड़ी बात है। आपने 2 शब्द सुने इसलिए आपका थैंक यू। इसी तरह से बोंडे सर को भी जाना है, वो ड्यूटी पर है और उनको जाना ज़रूरी है, लिहाजा मैं उम्मीद करूँगा कि वो हमारा मार्गदर्शन करते हुए जाएं। आपको मालूम है हमेशा कहा जाता है इन द नेम ऑफ अल्लाह
हु इज़ सो मर्सीफुल। इस दुनिया में ये दुनिया चलाने वाली कौन सी शक्ति है सही में, इसके ऊपर बहुत संशोधन हुआ। कोई उस परम शक्ति को कोई कहता है राम, कोई कृष्ण, कोई अल्लाह, कोई यीशु, कोई गौतम, कोई महावीर, लेकिन दैट ऑलमाइटी पावर इज देयर विच गवर्न्स ईच एंड एवरी एक्टिविटी ऑफ एवरी इंडिविजिबल। ये दुनिया उसके भरोसे चलती है, उसकी कृपा से चलती है। आज मैंने जब इस संस्था के बारे में देखा, अंजुमन फलाउल मुसलमिन, कहीं ना कहीं एक कंस्ट्रक्टिव काम सिर्फ ऊपर वाला ही कर सकता है, उसे ही मालूम है कैसा काम करना चाहिए, तो ये उस खुदा के बंदे निश्चित रूप से है, उन्होंने ये प्रूव करके दिखाया है। हमेशा बोला जाता है हमारी अगर डेस्टिनी कोई लिखता है तो हम कैसा विचार करते हैं, हम कैसा बिहेव करते हैं, इसके ऊपर हमारी डेस्टिनी लिखी जाती है। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर डेस्टिनी, नोबडी अदर देन यू कैन क्रिएट योर डेस्टिनी। एंड व्हाट क्रिएट्स योर डेस्टिनी, योर थॉट्स एंड योर थॉट प्रोसेस। आप कैसा विचार करते हो दूसरे के बारे में, आप कितने संवेदनशील हो, आप दूसरे के बारे में कैसे विचार रखते हो, आप इस दुनिया के बारे में कैसे विचार रखते हो, इसके ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है आपकी डेस्टिनी कैसी होगी। ये जो काम था वुमन एम्पावरमेंट, इस दुनिया में दो ही जातियां बनी है, मेल एंड फीमेल, लेकिन अगर ये दुनिया की तरफ देखा जाए तो जो भी आदमी जिसने जन्म लिया है माँ के पेट से, लगभग 5-6 साल तक उसके सबकॉन्शियस माइंड का लगभग 60-70% विकास होता है, और माँ के मार्गदर्शन में, माँ के पास उसका विकास होता है। अगर माँ पावरफुल है, विचारों से मजबूत है, अगर वो खुश है, निश्चित रूप से बता सकता हूँ ये दुनिया बहुत अच्छी बनेगी। सब कुछ माँ के ऊपर डिपेंड करता है, और इसीलिए अगर ये वुमन एम्पावरमेंट के बारे में कोई सोचता है तो निश्चित रूप से बहुत पवित्र काम है, बहुत अच्छा काम है, और इस काम के लिए सराहा ही जाना चाहिए। और ये सराहना सिर्फ यहाँ पे लोगों से नहीं होती है, मेरा खुदा भी देख रहा है, वो भी निश्चित रूप से खुश होगा। हमेशा बोला जाता है, हमेशा एक शब्द कि हर आदमी का हिसाब होता है। हिंदू धर्म में बोला जाता है चित्रगुप्त हिसाब करेगा, मुसलमान में बोला जाता है कयामत के दिन सब हिसाब होगा। वॉट एवर यू आर डूइंग, आप जो भी काम करोगे उसका हिसाब होने वाला है। अच्छा काम करोगे निश्चित रूप से आपको उस अच्छाई का फल मिलेगा। आप अच्छी बात सोचोगे समाज का अच्छा होगा, समाज का अच्छा होगा तो राष्ट्र का अच्छा होगा, मानवता का अच्छा होगा। आप जो भी काम करोगे, जो भी बीज बोओगे उसका फल मिलने वाला है। जो भी बीज बोओगे वही कहीं ना कहीं एक वृक्ष के रूप में आने के बाद हजारों बीज उससे निकलने वाले हैं। आप अच्छा सोचोगे, अच्छा काम करोगे, उसका फल बहुत मीठा होगा। इसीलिए हमेशा बोला जाता है कि सो द गुड सीड्स एंड रिप गुड हार्वेस्ट। बस इतना ही बोल के मैं ख़त्म करूँगा कि ये बहुत अच्छा उपक्रम है, जिस उपक्रम में सब पॉजिटिव, सब अच्छा है। खुदा इसके लिए आपको बहुत बहुत दुआएं देगा और आपके इस काम को बहुत बढ़ाएगा। ये आदरणीय व्यासपीठ जहाँ पे इतने आदरणीय व्यक्ति है, निश्चित रूप से मैं बोल सकता हूँ आपका काम समाज के लिए बहुत हितकारी है। आपका यही मार्गदर्शन कहीं ना कहीं हमारे सभी बच्चों, भाइयों और बहनों के लिए बहुत उपकारक ठहरेगा, और इसके लिए मैं आपको भी शुभकामना देता हूँ और मेरे दो शब्द खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो। हयात यानी ज़िंदगी और कायनात यानी पूरा विश्व, पूरी दुनिया। हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे ज़माने को साथ लेके चलो। मेरा ख्याल है एक अच्छे हिंदुस्तानी, एक अच्छे शरीफ ख़ानदान का, एक अच्छा समाजी इंसान को ये चाहिए कि एक सूरज की मानिंद हो जिसकी किरणें जहाँ गिरती हैं उसमें तमीज़ ना करे कि ये हिंदू पे पड़ रही है, मुसलमान पे पड़ रही है, सिख पे पड़ रही है या ईसाई पे पड़ रही है। उसका काम रोशनी देना है, उसका काम गर्मी देना है, उसका नाम ज़िंदगी देना है। इसी तरह हमें हर ज़ात पात, हर चीज़ों को सोचते हुए, अलग रखते हुए हमें इंसानों की मदद करना है, और यही इस्लाम भी सिखाता है। अगर आप गहराई में जाके उसे पढ़ें,
मंजिल घर बैठे नहीं मिलती, मंजिल के लिए कोशिश करना पड़ती है, मंजिल के लिए एक लक्ष्य बना के उस पर कदम कदम चलते जाना पड़ता है। उसमें हम गिरते भी हैं, उसमें हम संभलते भी हैं, क्योंकि संभलना हमको है और आगे बढ़ना है। मैंने शायद ज़्यादा वक्त ले लिया, आपसे माफ़ी चाहती हूँ और बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। इतने छोटे से गाँव में तनवीर भाई ने और वसीम साहब ने मुझे याद किया। मुझे जब भी कोई बुलाता है हर सूरत में मैं वहाँ पहुँचती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत खुशी होती है। एक छोटे से गाँव में रहती हुई मैं लोगों से मिल नहीं पाती, अपने ख्याल सुना नहीं सकती, लोगों की बात सुन नहीं सकती। आज मैं बहुत सी चीज़ें सीख के जा रही हूँ। ऐसा नहीं कि मैं किसी से कुछ कहना चाहती हूँ, मैं सुनना भी चाहती हूँ ताकि मैं अपनी गलतियों को सुधारूँ। हमें हर लम्हे अपनी गलती को सुधार के आगे बढ़ना है, तब हम दुनिया को कुछ दे के जा सकेंगे। तब कोई कहेगा, एक आंसू उसकी आँख से टपकेगा और कहेगा कि नहीं, उन्होंने हमारे बच्चे को तालीम दी थी, आज हमारा बच्चा जो कमा रहा है, हमारे घर में जो खुशहाली आई उनकी वजह से आई। तो यही कीजिए, आप भी आगे बढ़िए और आज से एक नई ज़िंदगी का नए एतमाद के साथ शुरू कीजिए। यहाँ से हॉल से जब निकलें आप, वो ज़ुबैदा ना रहें, वो रेहाना ना रहें, वो लक्ष्मी ना रहें, वो नंदा ना रहें, एक बदल के एक ताकतवर औरत के साथ निकलिए। जमाना आपके हाथ में है, आप नौजवान हैं, आप कर सकती हैं। मैं तो 78 साल की एक औरत हूँ जो डूबते सूरज की तरह हूँ, जिसे बहुत जल्दी डूब जाना है, मगर मैं चाहती हूँ मेरा मैसेज हर तक पहुँचे और हज़ारों ऐसी राना नूर सिद्दीकी पैदा हों जो दुनिया में अच्छे काम कर सकें। मैं तो एक छोटा सा ज़र्रा थी जो कब दुनिया में आई कब चली गई कुछ नहीं कह सकते। बस मेरा यही मैसेज है, अपने लड़कों को भी सुधारिए लड़कियों के साथ, और मेहनती बनिए, इसके सिवा मुझे कुछ नहीं कहना है। दो दिन पहले ईद नहीं थी, हमारे लिए आज ईद है कि आज इतने घरों में चिराग जलेगा, इतने घरों में रोटी आएगी, इतने घरों में इज्जत से लोग पेट भरना सीखेंगे। खुदा इस जो अंजुमन है इसको कायम रखे, दायम रखे और ऐसे ज़रिए पैदा करे कि दिन रात चौगनी तरक्की करता जाए। ऐसे लोगों की हमें बहुत ज़रूरत है। अल्लाह हाफिज़। ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है इस संस्था का, और आपको जो दिया जा रहा है वो बहुत बड़ी चीज़ है, एजुकेशन से कोई डिग्री से भी बड़ी चीज़ है ये। इतना बोल के मैं छुट्टी लेता हूँ, धन्यवाद। अब मैं डॉक्टर उर्वेशी यश रुईस मैडम से इन पंक्तियों के साथ आमंत्रित कर रहा हूँ कि सुना है दिन को उसे तितलियाँ सताती है, सुना है रात को जुगनू ठहर के देखते हैं, सुना है शाम को साए गुजर के देखते हैं, सुना है बोले तो बातों से भूल जड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। गुड आफ्टरनून। सबसे पहले तो मैं आप सबको बधाई देना चाहूँगी और अंजुमन फलाहुल मुसलमीन संस्था को भी बधाई देना चाहूँगी कि आप लोग इन महिलाओं को मशीनें देके एम्पावर कर रहे हैं। आज का जो प्रोग्राम का थीम रखा गया था, एम्पावर विमेन, एम्पावर्ड विमेन, औरतों को एम्पावरमेंट की ज़रूरत नहीं, वो ऑलरेडी एम्पावर्ड रहती हैं, खाली उनको अपने आप को दिखाना शायद कम आता है, लोगों से बताना कम आता है। लेकिन आज जब आपको कोई स्किल सिखा दिया गया है और आपको उसके लिए एक ज़रिया भी दे दिया गया है, तो इससे अच्छा मौका आप लोग को और नहीं मिलेगा। एक इंग्लिश में कहावत है, टीच अ वुमन शी विल लाइट दी फैमिली, एम्पावर अ वुमन शी विल एम्पावर दी होल वर्ल्ड। सो आप लोग एम्पावर्ड रहेंगे, आपको खुद को सोचना है कि आपको कैसे आगे बढ़ना है, क्या काम करना है जिसमें आपकी रुचि है पर साथ साथ कमाई भी है। तो अगर आप एम्पावर्ड हैं तो आप अपने साथ अपने बच्चे अपने परिवार को साथ लेकर एम्पावर कर सकते हैं। मुझे आज की औरतों से बहुत उम्मीद है, क्योंकि मैंने देखा है कि औरतों में बहुत जज्बा है, सिंसेरिटी है, ऑनेस्टी है। तो ये ऑनेस्टी अगर आप हर जगह दिखाते हैं तो आप बहुत अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं। बहुत खुशी है आज ये जान के कि आप लोग एक तरह से एम्पावर किए जा रहे हैं मशीन देकर, और आपको नया रास्ता दिखाया जा रहा है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस रास्ते पे आगे बढ़ेंगी, बहुत अच्छा काम करेंगी। आज की डेट में बहुत स्कोप है, इंसान में सिर्फ हिम्मत होनी चाहिए सामने आने की। तो ये हिम्मत आपको खुद बंधानी है अपने अंदर, कोई आपकी मदद नहीं कर सकता। हम खाली आपको
शब्द दे सकते हैं, मोटिवेशन दे सकते हैं, रास्ता दे सकते हैं। चलना खुद ही पड़ता है। वो पहला कदम उठाने से बिल्कुल मत डरिए, आगे बहुत बड़ा जहान है आपके लिए वेट कर रहा। तो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। भगवान करे आप बहुत आगे निकलें, बहुत अच्छा करें और अपना और अपने परिवार का नाम रोशन करें। थैंक यू। नहमदुहू व नुसल्लिम अला रसूलिल करीम। डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट, मेरे अजीज साथियों और मोहतरम व मुअज़्ज़म ख़वातीन बच्चियों, हम यहाँ पर सिलाई मशीनों की तकसीम के लिए जमा हुए हैं। आप ये ना समझें कि हम कुछ एहसान कर रहे हैं। अल्लाह का बड़ा करम और एहसान है और बड़ी खुशी होती है ये देखकर कि जो पौधा हमने कुछ सालों पहले लगाया था, जहां 5-6 मशीनों से सिलसिले का आगाज़ किया था, आज हम 100 मशीनों तक पहुंच गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी बिसात कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते, ये अल्लाह का करम है, उसका एहसान है। और इंशाअल्लाह अगले साल जब हम यहाँ पर, अल्लाह करे और उसको मंजूर हुआ, तो जब जमा होंगे तो 150 मशीनें तकसीम करेंगे। आप लोग भी हमारे लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक हमको हिम्मत दे, इस्तकामत दे।